नमस्कार, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, पूरे छत्तीसगढ़ की खबर आप तक पहुंचाएंगे और शुरुआत सबसे पहले एक बड़ी खबर से यहां करते हैं। रायपुर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज पाटन के दौरे पर रहेंगे। पाटन पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो 11:30 बजे रायपुर से पाटन के लिए रवाना होंगे सीएम और फिर 11:55 पर बता दें कि पाटन पहुंचेंगे सीएम बघेल। तो भरोसे के सम्मेलन की तैयारियों का निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री। 21 मई को पाटन में होगा भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम। शाम 4:30 बजे रायपुर पहुंचेंगे सीएम बघेल। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नितिन नामदेव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज पाटन पहुंचेंगे, कहा जा रहा है कि भरोसे के सम्मेलन के निरीक्षण की यहाँ पर उनकी तैयारियों की निरीक्षण भी यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे, और क्या कुछ जानकारी उनके दौरे को लेकर? देखिए, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक के लिए दो दिन काफ़ी विशेष होने वाले हैं। कल चूँकि आपको बता दें, कल एक बेंगलोर में एक बड़ा कार्यक्रम है, चूँकि कर्नाटक में ऐतिहासिक जीत हुई थी कांग्रेस की। उसके बाद निर्मला सीतारमण जो सिद्धरमैया जो है वहाँ के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार वो चयन हुए हैं। वहीं डीके शिवकुमार वो उप मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए चयन हुए हैं। तो निश्चित तौर पर इनका कल शपथ ग्रहण समारोह है, जिसमें तमाम जो देश भर के नेता शामिल होंगे, बड़े कांग्रेस के नेता शामिल होंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कल इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसको लेकर 5:00 बजे यहाँ रवाना होंगे। उसके पहले आपको बता दें कि पाटन में एक बड़ा कार्यक्रम 21 मई को होने वाला है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो शामिल होंगे, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 11:40 बजे रायपुर से रवाना होंगे और वहां पाटन में पहुंचेंगे। लगभग 4 घंटे वहां मौजूद रहेंगे, तैयारियों का जायजा लेंगे, चाक चौबंद की कड़ी व्यवस्थाओं का लगातार निरीक्षण करेंगे, क्योंकि एक बड़ा कार्यक्रम है भरोसे का सम्मेलन। तमाम छत्तीसगढ़ के बड़े विधायक, मंत्री और तमाम जो लोग हैं वो इसमें शामिल होंगे, जिसको लेकर एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है 21 मई को, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे। ये दो कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शिरकत देंगे। फिलहाल आपको बता दें, 5 बजे आज बेंगलोर के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रवाना होंगे, कल के एक बड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो दो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आज, जिसमें वो शिरकत देते नजर आएंगे। जी ठीक है नितिन, बने रहिए, आगे भी खबरों पर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, आज बिलासपुर के दौरे पर रहेंगे अरुण साव। खाजुरा की आम जनता और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे अरुण साव। वहीं नेहरू चौक के निवास में जनदर्शन करेंगे और फिर दोपहर 12 से 2 बजे तक जनदर्शन करेंगे, क्षेत्र की जनता की समस्याएं सुनेंगे अरुण साव। तो आज बिलासपुर के दौरे पर रहेंगे अरुण साव, कई कार्यक्रम में यहाँ पर शामिल होंगे, जानकारी सामने आ रही है। जन दर्शन करेंगे, जनता और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नितिन हमारे साथ बने हुए हैं। नितिन का एक बार फिर से रुक करते हैं। नितिन, अरुण साव आज बिलासपुर पहुंचेंगे, बिलासपुर के दौरे पर रहने वाले हैं, कहा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर मुलाकात करेंगे, क्या कुछ और जानकारी? देखिए, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बिलासपुर में जो सांसद है वहाँ के वो स्थानीय सांसद है, जिसको लेकर आज वो भ्रमण पर रहेंगे। वहाँ इस क्षेत्रीय जो आम जनता है उनसे भेंट करेंगे। जनदर्शन का कार्यक्रम है, जिसमें 12 से 2 बजे तक ये जनदर्शन का कार्यक्रम उनके निवास नेहरू चौक में लगाया गया है। निवास के समीप ये नेहरू चौक है, वहाँ लगाया गया है, जिसमें अरुण साव आम जनता से सीधी भेंट मुलाकात करेंगे, समस्या सुनेंगे, स्थानीय लोगों से मुलाकात करेंगे। जो भी उनकी समस्या है, चाहे रोड नाली सड़क तमाम प्रकार की समस्याएं हैं, उनको लेकर लगातार वो जो है वहाँ पे एक जनदर्शन करेंगे। उसके बाद अपने निवास भी जाएंगे, एक बड़ा एक भ्रमण उनका रहेगा। लगातार महीने में लगभग 4 से 5 बार इस प्रकार का कार्यक्रम अरुण साव लगभग करते हैं। तो प्रदेश भर के दौरे के साथ अपने क्षेत्रीय दौरे में भी लगातार अरुण साव एक्टिव नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा एक भ्रमण रहेगा, जिसमें वो क्षेत्रीय जनता से भेंट करेंगे, समस्याएं सुनेंगे, वहाँ के स्थानीय आम कार्यकर्ताओं से भेंट करेंगे। उसके बाद आपको बता दें कि एक बड़ा कार्यक्रम रायपुर में होने वाला आगामी विषय को लेकर, तो एक कार्य समिति की बैठक भी होगी, इसमें अरुण साव नजर होते नजर आएंगे। फिलहाल एक बड़ी बैठक 1 से 2 दिन बाद होगी, इसको लेकर अरुण साव नजर आएंगे। तो निश्चित तौर पर आज वो बिलासपुर दौरे पर रहेंगे, आम जनता की समस्याएं सुनेंगे और भ्रमण करेंगे। जी ठीक है नितिन, बने रहिए, आगे भी खबरों पर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और इस बीच एक और महत्वपूर्ण जानकारी, रायपुर से बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में पीएससी रिजल्ट को लेकर के बवाल लगातार जारी है। बीजेवाईएम आज करेगी पीएससी दफ्तर का घेराव, कहा जा रहा है कि हजारों बीजेवाईएम कार्यकर्ता ये घेराव करेंगे। मेरिट में नेताओं और अफसरों के बच्चों के चयन का आरोप लगाया गया है। तो 11 मई को देर रात जारी हुए थे पीएससी के रिजल्ट और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने घेराव का ऐलान किया है। तो हजारों बीजेवाईएम कार्यकर्ता घेराव करेंगे, रिजल्ट को लेकर लगातार बवाल देखा जा रहा है।
राष्ट्र कांग्रेस के द्वारा किया गया वादा को याद दिलाने के लिए आज जो चुनाव के समय युवाओं के साथ रोजगार देने की बात कही गई थी, रोजगार नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, इस प्रकार के वादे किए गए थे। युवा मोर्चा इस विषय को लेकर लगातार आंदोलन कर रही, हमारे आंदोलन को डर कर इन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने का घोषणा भी किया, लेकिन इस प्रकार के नियम कानून लगाए गए हैं जहां बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलने वाला है। हमारा स्पष्ट मांग है कि सबको भत्ता, पूरा भत्ता, पिछले चार साल साढ़े चार साल का भत्ता देना होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नितिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन का एक बार फिर से रुक करते हैं। नितिन, छत्तीसगढ़ में लगातार देखा जा रहा है पीएससी रिजल्ट को लेकर के बवाल जारी है, और इसी वजह से आज एक बार फिर से कहा जा रहा है कि जो बीजेवाईएम के कार्यकर्ता है वो पीएससी कार्यालय का यहाँ पर घेराव करेंगे, क्या जानकारी? और देखिए, निश्चित तौर पर पीएससी कार्यालय का एक बड़ा घेराव भाजयुमो कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जाएगा। लगातार इसको लेकर 10 दिन पहले ही आह्वान किया गया था कि जिस प्रकार से रिजल्ट आया था जिसमें साफ तौर पर नेताओं और बच्चे के जो बच्चे हैं वो लगातार उत्तीर्ण नजर आते हैं, ज़्यादा रैंक से पास हुए, जिसको लेकर लगातार इनका एक बड़ा आरोप इन्होंने जो है कांग्रेस सरकार पर लगाया है कि नेताओं और बच्चे के जो चयनित बच्चे हैं वो साफ तौर पर ज़्यादा रैंक से उत्तीर्ण हुए, जिसको लेकर लगातार इन्होंने जो आरोप लगाया इसको लेकर लगातार उन्होंने मोर्चा खोल दिया। इसके पहले कल एक बड़ा घेराव होने वाला था पीएससी दफ्तर का, लोक सेवा आयोग का, जिसको लेकर किसी कारणवश कल कैंसिल किया गया। आज एक बड़ा घेराव होगा, प्रदेश भर के हजारों कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे, और आपको बता दें कि लगातार इसको लेकर जो है बातें जो सोशल मीडिया है उसके माध्यम से भी भाजपा के लोगों ने जो है लगातार इसमें जो है पोस्ट शेयर किया है कि बड़ी से बड़ी संख्या में आए और इस आंदोलन को मजबूत करें, क्योंकि लंबा चलने वाला आंदोलन है। साफ तौर पर बता दें इसको लेकर सियासत भी लगातार हुई है, इसको लेकर कांग्रेस ने भी एक बड़ी पीसी ली थी, उसके पहले भाजपा ने ली थी। लगातार प्रेस वार्ता का दौर भी लगातार चलते रहा, और आज एक बड़ा घेराव लोक सेवा आयोग का किया जाएगा जिसमें प्रदेश भर के तमाम हजारों जो कार्यकर्ता हैं युवा मोर्चा के वो इस घेराव में लगातार नजर आएंगे। पुलिस की भी ताबड़तोड़ इसमें व्यवस्था नजर आएगी, और आपको बता दें कि लगातार एक भाजयुमो का एक बड़ा प्रदर्शन एक देखा जाएगा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर सहित पूरे प्रदेश भर के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो इसमें आना शुरू से सुबह से चालू हो गए हैं, तो एक बड़ा प्रदर्शन आज होने वाला है। लोक सेवा आयोग का ये जो भाजयुमो कार्यकर्ता है बड़ा घेराव करेंगे, तो एक बड़ा प्रदर्शन होगा जिसमें प्रदेश भर के हजारों लोग शामिल होंगे। जी ठीक है नितिन, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर रायपुर से लेंगे। छत्तीसगढ़ पीएससी के नतीजों पर आपको बता दें कि लगातार यहां विवाद जारी है। छत्तीसगढ़ पीएससी परीक्षा परिणाम को लेकर के बीजेपी का हल्ला बोल देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ पीएससी के छात्रों को न्याय दिलाने को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। सीएम हाउस ज्ञापन देने जा रहे थे एबीवीपी के कार्यकर्ता, और बीच रास्ते में ही पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोक दिया। तो एबीवीपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच यहाँ पर देखिए झड़प भी देखने को मिली। तो पीएससी के नतीजों पर विवाद लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ से तस्वीर सामने आ रही है, छत्तीसगढ़ में लगातार बवाल देखने को मिल रहा है। पीएससी के रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर के बवाल देखा गया है, और जब ये कार्यकर्ता सीएम को ज्ञापन देने के लिए पहुंच रहे थे, जा रहे थे, तभी पुलिस ने इन्हें रोक दिया, और एबीवीपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच देखिए झड़प भी यहाँ पर देखने को मिली है। जांगीर चांपा में भी बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन देखने को मिला। बेरोजगारी के मुद्दे पर बीजेवाईएम का प्रदर्शन देखने को मिला। बीजेवाईएम के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ने की यहां पर कोशिश की, तो पुलिस और बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं के बीच झड़प देखने को मिला। रोजगार कार्यालय के सामने बीजेवाईएम का ये प्रदर्शन यहाँ देखने को मिला। तो कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग यहाँ पर तोड़ने की कोशिश की, पुलिस और बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं के बीच झड़प यहां पर देखने को मिल रही है। जांगीर चांपा से तस्वीर देखिए सामने आई है, दो अलग अलग तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक रायपुर की तस्वीर है और दूसरी तस्वीर जांगीर चांपा की बताई जा रही है, जहां बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला, और उसी दौरान पुलिस के साथ झूमा झपटी भी यहाँ पर देखने को मिली, झड़प देखने को मिली। छत्तीसगढ़ पीएससी रिजल्ट पर आरोप प्रत्यारोप जारी है। छत्तीसगढ़ पीएससी की चयन सूची पर अरुण साव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, युवाओं की नाराजगी मुख्यमंत्री को समझनी चाहिए, छत्तीसगढ़ में युवाओं के साथ धोखा हुआ है। तो कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का भी बयान इस बीच सामने निकल कर आया। उन्होंने भी कहा कि बीजेपी के पास कोई भी मुद्दा नहीं बचा है। देखिए, आरोप के उत्तर में
प्रत्यारोप करना ये ठीक नहीं है। और भूपेश बघेल जी लगातार ये काम करते हैं कि जब भी कोई विषय आता है राज्य की सरकार का तो पुराने विषय को लेकर वो आते हैं। आज इस बार जो पीएससी की मेरिट लिस्ट आई है, वास्तव में छत्तीसगढ़ का युवाओं में जो तीखी प्रतिक्रिया है वो इस बात को महसूस कर रहे हैं उनके साथ धोखा हुआ है, छल हुआ है। 4.5 साल तक इनको किसी भी जनहित के मुद्दे याद नहीं आए। याद क्या नहीं आए, जनहित के मुद्दे इनके पास में बचे ही नहीं थे। आदिवासियों के बारे में बात करते हैं तो आदिवासी इनसे पूछते हैं कि भैया आप तो 2500 देते थे, सरकार 4000 दे रही है, आपने आपकी LIC ने इनके जीवन बीमा को समाप्त किया था। छत्तीसगढ़ में आधा फीसदी बेरोजगारी है और जो बचे उनको भी बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास में मुद्दे नहीं बचे हैं, चुनाव देख के वो जो हमारी सरकार के काम है उसको प्रचारित करने का काम कर रहे हैं। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां बीजेपी रायपुर शहर जिला की कार्य समिति की बैठक होने वाली है। आज दोपहर 3 बजे एकात्मा परिवार में ये बैठक होगी। बीजेपी जिला अध्यक्ष जयंती पटेल इसमें कार्यकर्ता कार्य समिति की ये बैठक लेंगी, जहां जिला कार्य समिति के बाद 25 मई को सभी 16 मंडलों की कार्य समिति की बैठक होगी। और फिर जिला कार्य समिति की बैठक में सांसद सुनील सोनी, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत, श्रीचंद सुंदरानी भी इसमें शामिल होंगे। तो 25 मई को सभी 16 मंडलों की कार्य समिति की बैठक होगी, जहां बीजेपी रायपुर शहर जिला की कार्य समिति की बैठक होने वाली है। आज दोपहर 3 बजे ये बैठक होगी। छत्तीसगढ़ में कोरोना से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में कम हुए हैं कोरोना के मामले। कहा जा रहा है कि बीते 24 घंटे में सिर्फ 24 मरीजों तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में गर्मी का कहर जारी है और इस भीषण गर्मी में लोगों के साथ जानवर भी काफी परेशान हैं। भिलाई के मरोदा में मैत्री बाग जू को देश भर में सफेद शेर का ये सबसे बड़ा जू माना जाता है। गर्मी से जू के जानवर भी अब परेशान है। प्रबंधन ने जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए फव्वारे का यहाँ पर इंतजाम किया है। बंदरों और अन्य जानवरों के शरीर में गर्मी का असर कम करने के लिए तरबूज व खीरे, ककड़ियां जो इसे फल इन्हें जा रहे हैं गया है। साथ साथ में पूरे इनपुट में पानी भरा गया है और स्पॉटेड डियर सामर इसमें हम एक हमारा स्प्रिंकल सिस्टम से पूरा पानी तेज में डाला जाता है, जिससे पूरे इनपुट में ठंडकता बनी रहती है। साथ साथ में मंकी और जो चिड़िया के इनपुजर में हरा कपड़ा, ग्रीन शेड बोलते हैं जिसको लगा के तापमान से उनको। खबर सूरजपुर से है, जहां इन दिनों गर्मी की तपिश से लोगों का हाल बुरा है। बताया जा रहा है कि ऐसे में पानी की बूंद बूंद के लिए ग्रामीण मोहताज है। सरकार की महत्वपूर्ण नल जल योजना सिर्फ कागजों में ही संचालित हो रही है। आधिकारिक और ठेकेदारों की लापरवाही के कारण आज ये योजना सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रह गई है। ग्रामीण रोजाना शुद्ध पेयजल के लिए कई किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, धूप है तो भाई चल के आएंगे तभी पानी मिलेगा। नल बना है तो नल तो भाई पानी दिन में नहीं करते हैं तो क्या करेंगे हम लोग। पूरा तो पाइपलाइन यहाँ बिछा, नल जगह जगह नल दिख रहा है तो उसका वजह से पानी नहीं आ रहा। नहीं तो आ रहा है भाई, बहुत परेशानी हो रहा है भाई पानी के लिए। ये शोपीस बना हुआ है, इसके लिए कहीं शिकायत उकायत नहीं किया क्या? कोई शिकायत नहीं किए थे, आए थे टीम अगस्तपुर पंचायत में, पर वो लोग बोले कि 2 दिन में पानी चालू हो जाएगा। ठेकेदार आया था, ठेकेदार बोला कि 2 दिन में चालू हो जाएगा, आज तक वही स्थिति है, चालू नहीं हुआ है। व्यवस्था के लिए कलेक्टर साहब बोले हैं कि जल्द से जल्द व्यवस्था कराएंगे। जहाँ जहाँ ज़्यादा भीषण है, पानी नहीं है, वहाँ के लिए जल्दी से व्यवस्था कराने का प्रयास करेंगे। नल जल योजना के लिए कई बार सामान्य सभा बैठक में, जिला पंचायत में हम लोग ठेकेदारों को, विभागों को अवगत कराए हैं। अब आज कलेक्टर साहब से जिला पंचायत अध्यक्ष लेटर देके, पत्र देकर अवगत कराए हैं कि हमारे सूरजपुर ज़िले में 6 ब्लॉकों में ऐसे भी ग्राम हैं जहां पानी के लिए लोग तड़प रहे हैं, ये भीषण गर्मी है। आज कलेक्टर साहब से अवगत कराए हैं माननीय राजकुमारी मरावी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष, कि तत्काल उन जगहों पर
उपलब्ध पानी का कराया जाए और जो ठेकेदार काम नहीं करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी किया जाए। कबीरधाम जिले के लोहारा विकासखंड में सूतिया पाट बांध बनाने के सालों बाद भी इलाके के दर्जनों गांव में पेयजल और किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंच पाया है। नतीजा ये हो रहा है कि किसान आज भी बारिश के पानी के भरोसे हैं। गर्मी बढ़ने से वाटर लेवल भी कम हो गया है और पानी की इस समस्या को लेकर जिला पंचायत सभापति भावना बोहरा ने एक बार फिर आवाज उठाई है और इस ओर प्रशासन का ध्यान यहां पर आकर्षित कराया है। सैकड़ों किसानों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर भावना बोहरा ने मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री के नाम कलेक्टर को यहां पर ज्ञापन सौंपा है और साथ ही चेतावनी दी है कि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन होगा। मुख्यमंत्री जी को और रविंद्र चौबे जी जो कृषि मंत्री हैं उनको भी सूचित किया गया है। ये प्रमुखता से किसानों की मांग है। सुतिया पाट नहर विस्तार योजना जो 2017 में जिस समय भाजपा की सरकार थी उस समय ये योजना आई थी और इसके लिए फंड भी आ चुका था, लेकिन जैसे ही उसके बाद सरकार बनी 2018 में कांग्रेस की सरकार आई तो इन्होंने इस योजना को पूरे ठंडे बस्ते में डाल दिए हैं। और परिस्थिति ये है कि जो 26 गांव जो इससे प्रभावित हो रहे थे, जिनको पानी मिलने वाला था, चाहे सिंचाई के लिए हो, पीने के लिए हो, मवेशियों के लिए हो, आज उनकी बहुत बुरी स्थिति हो गई है। इस संबंध में अभी कुछ किसान आए थे जिला पंचायत सदस्य के नेतृत्व में, उनसे बात हुई है। सूतियापाट नहर विस्तार का कार्य उनका कहना था कि शासन स्तर पर दिया है तो इस पर कार्रवाई आवश्यक है। इसी तरह एक दूसरा है पड़की पार परियोजना जिसमें सर्वे हुआ है और उसके काम की आवश्यकता है, तो मैं संबंधित विभाग से संबंध में चर्चा करूंगा क्या स्थिति है और इसपे क्या हम आगे कार्रवाई कर सकते हैं, इसमें गंभीरता से कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 24।